الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا ذر لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي مئة ركعة ولا أن تغدو فتعلم بابا من العلم أمل به أو لم يعمل به خير لك من أن تصلي ألف ركعة وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قلت أوصني يا رسول الله قال عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله قلت زدني يا رسول الله قال عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وزخر لك في السماء وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انتہائی قابل عزت قابل احترام ذی قدر و ذی وقار علماء کرام
और जिला एबटाबाद के इस इलाके कुटेड़ा और गिर्दो नवाह से आए मुअज्जज मुकर्रम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। काफी अरसा पहले आपकी इस मस्जिद में आने का मौका मिला था मौलाना मुफ्ती रमजान साहब की दावत पर, और एक अरसे के बाद आज फिर मुलाकात का शरफ हासिल हो रहा है। इश्तिहार पे मैंने उन्वान पढ़ा हजमते कुरान, तो दिल ने भी गवाही दी और होना भी यही चाहिए कि जो उन्वान है उसी के मुताबिक गुफ्तगू करूंगा और आप लोगों की इंतहाई तवज्जो चाहूंगा। अगर बरसात हो और बर्तन उल्टा रखा हुआ हो तो हासिल वसूल कुछ नहीं, और अगर बर्तन सीधा हो तो कभी कभी बरसात ना भी हो शबनम के कतरों से भी बर्तन भर जाता है। तो थोड़ी देर के लिए दिल दिमाग हाजिर कीजिए ताकि दिल के अंदर रूहानियत पैदा हो और आपके दिल को कुरान की रोशनी से मुअत्तर किया जाए, मुनव्वर किया जाए। आप जानते हैं कि जिस तरह बिगड़े हुए मुआशरे को इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस किताब इनकलाब के जरिए बदला, उसकी मिसाल कायनात में नहीं मिलती थी। कुटेड़ा वालों, इस तारीख आलम में इस दुनिया ने बड़े बड़े इनकलाबात देखे, खून का इनकलाब इस दुनिया पे आया है। इतना खून बहाया गया कि दरिया सुर्ख हो गए, इतना कत्लेआम हुआ कि बादशाहों ने इंसानों की खोपड़ियों से मीनार बनाए अपना सिक्का बिठाने के लिए, लेकिन मिट गए वो बादशाह भी और उनका मंशूर भी और उनका मिशन भी उनका प्रोग्राम भी। लेकिन इस धरती पे 1400 साल पहले खून का इनकलाब नहीं, इस्लाह अखलाक, इस्लाह अकीदा और इस्लाह मुआशरा और अमन का एक ऐसा इनकलाब इमाम इनकलाब मोहम्मद अरबी ने किताब इनकलाब के जरिए बर्पा किया, उसकी मिसाल नहीं मिलती। 14 सदियां गुजरने के बाद भी उनका वो मिशन बर्पा है, चल रहा है, रवा दवा है, मौजों की तरह, सैलाब की तरह। और कुरान ने कहा था, क्या कहा था, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक। लफ्ज़ पे गौर कीजिए, यही आयत कुरान में 3 मकामात पर आई है, एक ही आयत है, उसे 3 मकाम पे दोहराया गया। सूरत तौबा आयत 33 में, सूरत फतह में और सूरत सफ में 3 मरतबा आयत को दोहराया गया। मैं पढ़ने लगा हूं, अगर आप चाहें तो मैं सुना दूं, दिल चाह रहा है कुरान सुनना चाहेंगे, जो सुनना चाहते हैं वो कहो सुभान अल्लाह। ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान खुलाया, फरमाया हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून।
ग्यारहवां पारा सूरत का नाम सूरत तौबा आयत नंबर 33। मैं कुरान का तालिबुल इल्म हूँ, इंशा अल्लाह कुरान ही का सहारा लेके चलता जाऊंगा, आपके दिलो दिमाग को कुरान की बरसात से मुअत्तर करता जाऊंगा। फरमाया हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु, अल्लाह वो ज़ात है जिसने अपना रसूल भेजा, शान वाला, अजमत वाला, मकाम वाला, तज़ीन वाला रसूल भेजा, बिल हुदा व दीनिल हक। दो चीजें, पहली चीज बिल हुदा हिदायत देकर भेजा, पहली चीज बिल हुदा हिदायत देकर भेजा। कुटेड़ा वाले पूछेंगे या हुदा से मुराद क्या चीज है, तो हुदा से मुराद खुद कुरान बतलाता है, दूर नहीं पहले पारे ही से कुरान कहता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फी हुदल मुत्तकीन के कुरान मुत्तकीन के लिए हुदन हिदायत है। इसी में कुरान आगे कहता है सूरह बकरा में शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फीहिल कुरान हुदन लिन्नास, के कुरान सारी इंसानियत के लिए हिदायत है। और इसी तरह आगे चलते जाइए, सूरत का नाम सूरत यूनुस है, आयत नंबर 58 है, कुरान कहता है कद जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम वशिफाउन लिमा फिस्सुदूर वहुदन वरहमा। इधर भी फरमाया हुदन कुरान हिदायत है। तो अब इस आयत को सूरत तौबा वाली आयत को और इन सारी आयत की रोशनियों में हल कीजिए, माना होगा हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा, अल्लाह वो ज़ात है जिसने अपना रसूल भेजा किताब हिदायत कुरान के साथ। बिल हुदा किसके साथ? हिदायत वाली किताब कुरान मुकद्दस के साथ भेजा, वदीनिल हक दीने हक के साथ भेजा। कौन से दीन के साथ? दीने हक के साथ, जो दीने इस्लाम है। मेरे पास पैगंबर का दीन हक है, लेकिन आगे लफ्ज़ पे गौर कीजिए, ये आयत जब उतरती है सूरत सफ वाली आयत और सूरत फतह वाली आयत, इन तीन आयतों की नुज़ूल के वक्त हालात मुवाफिक नहीं थे, बल्कि हालात बिल्कुल मुखालिफ थे। मक्का में पैगंबर का साथ देना मुश्किल था, पैगंबर की मईयत में चलना मुश्किल था, आपके मिशन की तस्दीक करना मुश्किल था। कभी रात के अंधेरों में किसी जगह कुरान सुनाया जा रहा है, कभी किसी के दरवाजे पे दस्तक जाके मेरा पैगंबर कुरान सुनाता है। हज का मौसम है, हुज्जाज आए हुए, आप कहेंगे जब पैगंबर का साथ देने वाला कोई नहीं तो ये हाजी कौन थे? ये मुशरिक थे, ये कौन थे? मुशरिक भी हज करते थे। अबू जहल ने तो इतने किए थे, शायद बहुत ही बड़ा हाजी था। सिर्फ हाजी नहीं था, हाजियों की खिदमतें करने वाला, पानी भी पिलाता था, सत्तू भी खिलाता था। अल्लाह अकबर। तभी तो कुरान ने कहा सूरह तौबा में अजअल तुम सिकायत अल हज व इमारत अल मस्जिद अल हराम का मन आमना, इस पे नाज करते हो कि तुमने काबा तामीर किया है, मस्जिद हराम में तवाफ करते हो, हाजियों को पानी पिलाते हो, अगर मेरे मोहम्मद पर ईमान नहीं लाते हो जो मर्जी ये करो रहेगा। आप थके तो नहीं है ना?
तो हज का मौसम है और नबी अलैहिस्सलाम की तरफ आने के सारे दरवाजे बंद हैं। दिन में मुलाकातों पे पाबंदी है, रात आधी हो गई, मक्का की पुरसुकून वादी पे सन्नाटा छाया हुआ है, बिल्कुल अंधेरी रात है, सारे लोग थके हुए अपने अपने घरों में सो जाते हैं, लेकिन कुर्बान जाऊं जिस पैगंबर को अल्लाह ने दीन हक और किताबे हिदायत के साथ भेजा, वो रातों को उठ के बाहर आ जाते हैं। अल्लाह हो कुटेड़े वालों को बहुत मुश्किल काम है, आप रात के अंधेरे में उठते हैं, सोचते हैं किसके पास जाया जाए, पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं, खेमे लगे हुए हैं बाहर मक्का के, आपने दिल में सोचा वो सामने खेमा नजर आ रहा है, दिल का मैला हुआ, आप उस खेमे के अंदर दाखिल होते हैं, यूं ही दस्तक देते हैं, आवाज देते हैं चुपचे से, खेमे का दरवाजा खोल के अंदर वाले हैरान है, हो सकता है कोई हाजी है, भूख लगी हो शायद खाना लेने आया हो, शायद ठिकाना ना हो, हमारे खेमे में आराम इस्तराहत करने आया हो, लेकिन क्यों ही दरवाजा खोलते हैं, मैं कहता हूँ मदीने के छह जवानों तुम्हारी किस्मत में तुम्हारे खेमे में सूरज ढलू हो गया। किस्मत की बात है, खैमे का दरवाजा खोला, नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं इजाजत है मैं अंदर आ जाऊं, जी जी आइए आइए आइए, आप अंदर तशरीफ ले जाते हैं, छह जवान बैठे हैं, कितने छह जवान बैठे हैं, नबी अलैहिस्सलाम से कहने लगे जी तलब हो खाने की पीने की या आराम की तो हम इजाजत देते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम तो जानते हो रात का अंधेरा है, मेरा घर भी है, आराम के लिए बिस्तर भी है, खाना भी मेरे पास है, लेकिन तुमसे ये मुतालबा नहीं, एक दर्द दिल लेके आया हूँ, एक पैगाम लेके आया हूँ, एक मिशन लेके आया हूँ, अगर तुम मान जाओ, कहने लगे रात इस अंधेरे में जो आप आए हो जरूर कोई अहम बात करने आए होगे, फरमाया क्या बात है आप हैं, नबी करीम ने फरमाया कुलू ला इल्लल्लाह तुफ्लिहु, बस यही पैगाम लेके आया हूँ, कुलू ला इल्लल्लाह, ये अकीदा मान जाओ कि हाजत रवा मुश्किल कुशा कौन है, पेड़ पार लगाने वाला कौन है, हाजतें पूरी करने वाला कौन है, तकदीरें बदलने वाला कौन है, इज्जत और ज़िल्लत का मालिक कौन है, ला इलाहा इल्लल्लाह, बस यही पैगाम सुनाने की देर थी, सीरत में आप पढ़ोगे फकारा अलैहि कुरान, ये दावत दी और फिर रब कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। इस किताब का कमाल देखिए, ये छह कौन थे जरा मैं नाम दूंगा इंशाल्लाह, जरा आप देखिए इंशाल्लाह आपके 14 तबक रोशन होंगे, जब आपने कुरान पढ़ा ये मदीना के लोग थे, उनमें से जो पहला जवान है उसका नाम पहला लिखा गया, उसका नाम है असअद बिन ज़ुरारा रज़ी अल्लाह तआला, बस उसने देर नहीं की, कोई झगड़ा कोई मुबासा नहीं किया, आपने कुरान पढ़ा, वो कहने लगा हाथ आगे बढ़ाइए, नबी अलैहिस्सलाम ने हाथ बढ़ाया, वो कहने लगा अशहदु अल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, पहले उसने कलमा पढ़ा, फिर छह ने कलमा पढ़ा, पांच बाकियों ने भी पढ़ लिया, जूं ही उन्होंने कलमा पढ़ाया मुशर्रफ इस्लाम किया, चंद बातों की तालीम दी, और फरमाया किसी को बताना नहीं, चुप करके खामोशी से रात को निकल गया।
कहा किसी के सामने जिक्र, वो कहने लगे क्यों? फरमाया इसलिए मैं तो बर्दाश्त कर लेता हूँ, तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। मैं तो बर्दाश्त कर लेता हूँ, तुम पे मुश्किल पड़ जाएगी, बस खामोश हो जाना, दोबारा मुलाकात के लिए नहीं आऊंगा, अगले साल मिलूंगा। खुशी खुशी आ रहे कि अल्लाह दिन के उजाले में जिस पैगाम को कोई नहीं मान रहा था, अल्लाह तूने रात के अंधेरे में मुझे छह बंदे अता कर दिए, छह बंदे अता कर दिए, आप वापस आते खुशी फिर नहीं मिले। साल इंतजार किया, फरमाया अगले साल आना इसी जगह खेमा लगाना। साल के बाद जब वही हज का मौसम में फिर आते हैं, छह नहीं थे बारह थे, छह और लेके आए, उन्हें कलमा पढ़ाया, फरमाया बस काफी है, चले गए। का अगले साल अकबे सालिसा इसको कहते हैं, जब तीसरे साल आए तो छह भी नहीं, बारह भी नहीं, चौबीस भी नहीं, तिहत्तर आदमी थे, दो तीन औरतें थी, बाकी मर्द थे। तीन साल आपने यूं कुरान सुनाया, ये है दीन-ए हक, जब सुनाया तो तीसरे साल वो कहने लगे हमारी चाहत है आप मदीना आ जाए। क्या अब हम काफी सारे बंदे हो गए, हम पावरफुल हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, सब चाह रहे हैं, आपके इंतजार में है, कब आप आए। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा अंसार एक बात बताऊं, मदीने वालों जी बताइए, मैं आऊंगा लेकिन मेरी हिफाजत करना तुम पे फर्ज हो जाएगी, औलाद से इज्जत से माँ बाप से बढ़कर। पता है मदीना के लीडर ने क्या अल्फाज कहे? फरमाया अल्लाह के पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक हम जिंदा हैं हम अपने बच्चे कटवा देंगे, आप आंच नहीं आने देंगे, और जब हम नहीं रहेंगे तो फिर आप मदीने में ना ठहरना, फिर वापस आ जाओ, हम होंगे आंच नहीं आने देंगे। ये असबाब बनते जा रहे हैं हिजरत के। तो मैं बातें इसलिए मैंने तीने देकर नहीं भेजा कि अबू जहल से मगलूल हो जाए, अबू लहब से मगलूल हो जाए, उतबा और शेबा से मगलूल हो जाए, अरब के काफिरों से मगलूल हो जाए। नहीं नहीं, मैंने नहीं देकर इसलिए भेजा है ताकि इसके दीन को सारे दीनों पे गालिब कर दूं। ये मगलूब होने के लिए दीन गालिब होने के लिए आया है। लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून, अगर मुशरिकों को ना पसंद गुजरे ना गवार गुजरे। यकीन कीजिए यही आयत है, सूरत सफ वाली आयत है, उसके तहत अल्लामा इब्ने आशूर अपनी तफसीर अत-तहरीर व तनवीर के अंदर, इमाम कुर्तुबी अपनी तफसीर कुर्तुबी के अंदर, इमाम इब्ने कसीर अपनी तफसीर इब्ने कसीर के अंदर इसी आयत के नीचे हदीस जिक्र करते हैं। मैं इस आयत को देखता हूँ, उस हदीस को देखता हूँ, अजीब तशरीह है। जब अल्लाह ने कह दिया लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही, अल्लाह के दिल को सारे दिनों पे गालिब करेगा, तो मेरे पास पैगंबर ने तफसीर करते हुए क्या फरमाया? फरमाया उलमा बैठे ला यबका ज़हरिल अर्ज, इस जमीन की पुश्त पर, इस सफ़े अर्ज पर कोई कच्चा पक्का पक्का मकान नहीं रहेगा। ला यबका अला ज़हरिल अर्ज बैतु मदरिन, ऐ बैतु तीनिन मट्टी का घर, जैसे ये सीमेंट के मट्टी के बने हुए हैं। वला वबर, वबर कहते हैं ये बकरी के बालों,
ऊंट और भेड़ की ऊन को इससे बने हुए टाटों को, तो टाट और खैमे बनाते हैं उसे, ठीक है ना। तो अब सुनिए, नहीं रहेगा इस जमीन पे कोई मट्टी का मकान यानी पक्का मकान वाला वबरे, न कोई खैमा कच्चा मकान, इल्ला अदखलहुल्लाहु इस्लाम, मगर अल्लाह उस कच्चे मकान में पक्के मकान में इस्लाम का ये कलमा दाखिल करके छोड़ेगा। ये ठहरेगा नहीं, कैसे दाखिल करेगा? अगले लफ्ज पे गौर कर, बिइज्ज अजीज व बिज़ुल ज़लील, इज्जतदार की इज्जत के साथ और ज़लील की ज़िल्लत के साथ। क्या मतलब हदीस का कि जो कोई कलमे का इस्तिक़बाल करेगा मानेगा इज्जत पाएगा, जो मुकाबला करेगा ज़लील हो जाएगा, लेकिन इस्लाम का मुकाबला न कर सकता। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही उभरेगा जितना के दबा दोगे। ये तो इसके अंदर एक कमाल है, जितना ही दबाएगा ये उतना ही उभरेगा। एक हदीस सुनाई इसी के साथ ज़मन में, दूसरी हदीस सुन लो, उसमें जरा और अल्फाज है, वो क्या है, लयबलुगन्ना हादल अम्रु, कुटेड़े वालों लयबलुगन्ना हादल अम्रु मा बलगल लैलु वन्नहार, ओ कायनात वालों सुन लो, मेरे मोहम्मद अरबी ने 14 सदियां पहले जब आपकी बात मक्का में दबाई जा रही है, ये मेरे पैगंबर की जबान की सदाकत की भी दलील है। फरमाया यब लोग मा बला लैलू वन्नहार, जिधर जिधर तक रात दिन पहुंचेंगे उधर उधर तक मेरा दीन पहुंचेगा। आपसे पूछता हूँ कटेड़े वालों, कोई धरती पे ऐसी जगह है दुनिया में जहाँ दिन ना हो, रात ना हो? लाजमी एक बात है जी, दिन भी है रात भी है, ठीक है ठीक है, या दिन है तो या रात, जिधर जिधर दिन पहुंचता है रात पहुंचती है उधर उधर तक मेरा दीन पहुंचेगा। और इधर भी आखिरी अल्फाज यही है, बेइज्ज अजीज औ बिज़ुल ज़लील, तो मैं बात कर रहा था कुरान हिदायत के साथ दीन हक के साथ आप चल के आते हैं, आप तरफ गौर कीजिए, फिर वही वक्त आया, मदीना मुनव्वरा है, आपको अल्लाह ने सल्तनत अता फरमा दी, कुवत आ गई, बादशाहों को खतूत लिख रहे हैं, सोचा भी नहीं था खतूत बादशाहों को लिख रहे हैं, चटाई पे बैठ के कैसर और किसरा को खत लिख रहे हैं, और खत में ये नहीं लिख रहे कि ये हमें कर्जा दो, नहीं नहीं, खत इसलिए लिखे नहीं दे रहे कि हमें हमारी मदद करो, नहीं, रब्बे काबा की कसम, मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 खत लिखवाए और आपके खत लिखने वाले कातिबों में अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला शामिल, आप खत लिखवा रहे हैं, वो खत का मजमून पढ़ता हूँ जरा ईमान ताजा करता है, कोई लंबी चौड़ी तो तकरीर नहीं, मुख्तसर जुमला, बादशाह का नाम लिखा है, अज तरफ मिन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कितना प्यारा जुमला है, ये लिखा हुआ है, और जरा अल्फाज खत के, अस्लिम तसल्लम, अस्लिम तसल्लम, ज्यादा नहीं अस्लिम तसल्लम, तू सुपर पावर बादशाह है, जो भी है जितनी भी तेरी सल्तनत है, कैसर है किसरा है बुसरा है जाशी है, जितने बड़े बड़े बादशाह है, फरमाया अस्लिम तसल्लम, इस्लाम कबूल कर ले, तू भी सालम बच जाएगा, तेरा मुल्क और
تیری حکومت بھی سلامت رہے میں سلامتی نہیں مانگتا ہوں تمہاری سلامتی کی بات کرتا ہوں تم سلامت رہو گے یہ خطوط لکھ رہے ہیں انہی بادشاہوں میں ایک قبیلہ طے کا بادشاہ ہے حاتم تائی کا بیٹا عدی ابن حاتم اس نے اپنے نوکر سے کہا میں نے نبی علیہ السلام کے بارے میں سنا ان کا لشکر بڑا پھیل رہا ہے جو کہا یار بہت پھیل رہا ہے کوئی روک تھام کی صورت ہے نوکر کہنے لگا روک تھام چھوڑیے وہ سیلاب تیری طرف بھی آنے والا ہے اور ڈر گیا کہنے لگا ایسے کرو میرا گھوڑا تیار کرو اسے پالو سامان تیار کرو تمام آل خانہ سونا چاندی پیسہ سارا پہلے منتقل کر دیا سونا چاندی پہلے دوسرے ملک شام کے اندر اس کے ہم مذہب عیسائی رہتے تھے ان تک پیسہ پہنچا دیا کہ اگر میری حکومت ختم ہوگی تختہ الٹا جائے گا تو میں ادھر تشریف لے آؤں یہ ہر دور میں ہو رہا ہے جیسے خطرہ ہوگا تو میں ادھر آ جاؤں گا ایک دن آیا نوکر نے کہا جلدی کر کیا کہنے لگا ایک سیلاب آ رہا ہے کہا کس چیز کا سیلاب کہنے لگا پانی کا نہیں جیش محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی کا لشکر آ رہا ہے بس عدی نے گھوڑے پہ چھلانگ لگائی اور سامان گھر والوں خاندان کو تیار کیا بھاگ گیا اور ایسے گیا شام اتنی جلدی میں تھا کہ اپنی سگی بہن چھوڑ گیا پیچھے صفانہ پیچھے رہ گئی علماء اس سے بڑا لطف اٹھائیں گے آپ بھی ذرا سنیے انشاءاللہ اگر آپ کا دل و دماغ حاضر ہوا تو بہت کچھ میں کہہ جاؤں گا مختصر جملوں میں بھاگ گیا شام پہنچتے ہی پتا چلا کہ میری بہن رہ گئی ہے یہ کیا ہو گیا اب واپس آنا بھی مشکل ہے کوئی صورت نظر نہیں ادھر قبضہ کر لیا صحابہ کرام نے اور تہہ کے لوگوں کو قیدی بنا لیا ان قیدیوں میں حاتم تائی کی بیٹی صفانہ بھی قید ہو گیا مسجد نبوی کے باہر قیدی کھڑے ہیں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گشت کرتے ہوئے آگے ایسے چکر لگا رہے ہیں قیدیوں پر جیسے نظر پڑی تو دور ایک جوان خوبصورت لڑکی کھڑی ہے لیکن برہنا سر ہے نبی علیہ السلام نے اپنی چادر اتاری فرمایا جلدی جاؤ اس کے سر پر میری چادر ڈال کے آ جاؤ ایک ساتھی نے عرض کیا اللہ کے رسول عیسائی ہے کافر ہے کافر کی بیٹی ہے اس کے سر پہ آپ کی مقدس چادر فرمایا خاموش ہو جاؤ بیٹی بیٹی ہوتی ہے اگرچہ کافر کی جاؤ چادر ڈال کے آجے اس کے ساتھ جب اس کے سر پہ چادر ڈالی گئی نبی علیہ السلام کی اس کو اور طلب پیدا ہوگی کہ یہاں ظلم نہیں انصاف ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے تو اس کے اندر ایک دلیری جرت پیدا ہوئی جب نبی علیہ السلام ایسے پاس سے گزرنے لگے بیٹھی تھی ایک دم کھڑی ہو گئی جب کھڑی ہو گئی تو آپ سے کہنے لگی ما تلوالد حلق الوالد وغاب الوافد امنن علیہ ام اللہ علیک عجیب جملے کہنے لگی اللہ کے رسول میرا باپ ہلاک ہو گیا مر گیا ہے اور میرا رکھوالا میرا ساتھ دینے والا بھاگ گیا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا من وافدو کا تیرا رکھوالا کون ہے کہنے لگی عدی کون ہے عدی ابن حاتم نبی علیہ السلام نے نام سنا فرمایا الفار من اللہ و رسولی اللہ اور اس کے رسول سے بھاگنے والا وہی ہے کہنے لگی وہی ہے باپ کا بھی ذکر کیا اس نے نبی علیہ السلام نے کہا آپ کا باپ سنا ہے بڑا سخی اور منصف آدمی تھا لیکن چونکہ ایمان نہیں لایا تھا آپ آئے صحابہ کرام سے فرمایا اس کو کپڑوں کا جوڑا بھی دے دو اور اس کو جوتے بھی دے دو اس کو سواری کے لیے اونٹ یا گھوڑا بھی دے دو
और इसको बाइज्जत इसके काफिले के साथ इसके घर तक पहुंचा दो। जिधर ये जाना चाहती है भाई तक पहुंचा के आ जा। ये इज्जत देखी पहुंचाया हदी घर में बैठा हुआ, कहता है दूर से देखा काफिला आ रहा है, जब पास आई तो देखा बहन है, तो बहन ने तो आते ही अपने भाई पर बरसना शुरू कर दिया। तू भाग गया तो क्या कहने लगी, ला तकूली इल्ला खैरा। बहन जी बस खैर की बात करो, कोई खैर की खबर सुनाओ, छोड़ बस जो होना था हो गया, अब आपकी कोई खैर की बात करें। पता है बहन बैठी, भाई ने कहा तू तो दुश्मनों की कैद में रही, परदेसी फिर गैर अजनबियों की कैद में, दुश्मनों की कैद में तेरी इज्जत से भी हमले हुए होंगे, उन्होंने तेरी इज्जत से भी डाका डाला होगा, लेकिन ये जुमले सुनते ही जलाल में आग का खामोश हो जाइए, कसम है अल्लाह की ओ मेरे भाई, मेरी इज्जत जरी प्यार दीवारी ने इतनी महबूल नहीं थी जितनी मोहम्मद अरबी के सहाबा के बीच में महबूल रही है। अल्लाह अल्लाह अकबर। जब भाई ने ये बातें सुनी तो पता कहा, अच्छा बहन तू तो देख के आई, इस शख्स के बारे में बताई कैसा आदमी है, ये जो नबूवत का दावा कर रहा है। तब सिरा सुनिए, आप इधर से लिखने के काबिल हैं वो कलमा। सफाना जाने लगी, मेरा भाई देर ना कीजिए, जल्दी सामान तैयार कर और उनके कदमों में पहुंच जा। वो भाई कहता है बतला तो सही कैसा आदमी है, कहने लगी लड़ाई तू यरहमुल यरहमुल फकीर व यफुल असीर व यरहमुस सगीर व यारफु कदरल कबीर। मैंने ऐसा आदमी देखा है जो गरीबों पे रहम करता है, जो हिब्बुल फकीर मोहब्बत करता है, बच्चों पे रहम करता है और बड़ों की इज्जत करना जानता है, कैदियों को रिहा करता है। आखिरी जुमले बड़े काम के हैं, वो क्या कहती है, इनका मालिक अगर ये बादशाह हुआ तो इसकी बादशाहत भी हमेशा रहेगी और तू जलील नहीं होगा उसकी बादशाहत में। वइनका नबियन फलफजलु लिलमुतकअम्मीन, अगर ये वाकई नबी है तो फिर फजीलत उसी की है जिसने पहले की पहल की मानने में, जिसने मानने में पहल की फजीलत उसी की है। भाई ने सामान तैयार किया, चल चल मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबी में महफिल लगी है, भाई आ गया, अदी आ गया, आते ही बैठ गया। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा मन अंत व मिन अयन अंत, कौन और कहां से, कहने लगा अदी इब्ने हातम। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा तो वही आदी आदी है तेरे जाने के बाद। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया साथियों मुझे रब से ये उम्मीद है कि रब आदी का हाथ मेरे हाथ में ला के रख देगा। मैंने कहा था कि अल्लाह आदी का हाथ मेरे हाथ में ला के रख देगा। महफिल खत्म हुई मस्जिद से, फरमाया मैं देख रहा हूँ कि ये नबी है या बादशाह है, ये मुआजना कर रहा हूँ। महफिल खत्म हुई, आपने उठते ही मेरा हाथ पकड़ा, फरमाया आदी आओ मेरे साथ घर चलते हैं। कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम आगे आगे, मैं आपके नक्शे कदम पे पीछे आ रहा हूँ, रास्ते में एक बुढ़िया आ गई, एक बूढ़ी खातून आई, उसने आवाज दी नबी अलैहिस्सलाम को रोक दिया। नबी अलैहिस्सलाम रुक गए, वो लगी रही मेरा ये मसला है, मेरा ये मसला है, मेरा ये मसला है, लगी रही। नबी अलैहिस्सलाम ने कान उसकी तरफ लगाए हुए, जब तक उसने बात पूरी नहीं की मेरे मोहम्मद ने एक कदम भी नहीं उठाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप खड़े रहे इसी तरह। तो आदि क्या कहते हैं,
औरत का मसला हल किया। जब आगे चलने लगे मैंने दिल में कहा अल्लाह की कसम ये बादशाह नहीं नबी हो सकता है। ये पहली निशानी मैंने देखी। बादशाह बादशाह को छोड़ो, छोटा सा चेयरमैन भी अगर कोई रास्ते में उसको रोक दे तो क्या कहे कोई जाए ऐसा ही। चेयरमैन को छोड़ो, खुद मैं अपने मौलवी किसी को रोक के देखो। आप रास्ते में मुझे रोक के मसले पूछते हो? जाओ भाई, सैयदुल अंबिया खड़े सुनी बात। फरमाया मैं इंतजार में घर आए, आपके हुजरे में दाखिल हुआ तो अजीब मंजर देखता हूँ। कोई बिस्तर तकिया नहीं है, बस एक ही तकिया पड़ा हुआ है। नबी अलैहिस्सलाम ने तकिया उठाया, अभी इस पे बैठ जाओ। मुझे हया आई, शर्म आई, मैंने कहा ला बल अंत तजलिस। आप बैठेंगे? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं आप बैठेंगे, मुझे मजबूरन बैठना पड़ा। आप जमीन पे और मैं तकिए पर। अल्लाह अकबर। अकल हैरान रह जाती है, अकल हैरान रह जाती है इस सदाकत और इस इज्जत इनके सारी और इस सच्चाई पर और मेहमान नवाजी की इंतहा। फरमाया मैं बैठा हूँ, नबी अलैहिस्सलाम से मैंने एक सवाल भी पूछा, आपने एक आयत पढ़ी, मेरे गले में सलीब लटक रही थी ना, तो आपने फरमाया सलीब फेंक दो, ये बुत है। साथ ही आयत भी पढ़ी, इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबन मिन दूनिल्लाह, कि यहूदियों ने ईसाइयों ने अपने मौलवियों और पीरों को रब बनाया हुआ है अल्लाह के सिवा। यहूदियों और ईसाइयों ने अपने मौलवियों और पीरों को क्या बनाया हुआ है? रब बनाया हुआ है अल्लाह के सिवा। फरमाया जब ये आयत पढ़ी तो मैंने फौरन सवाल उठाया, मैंने कहा अल्लाह की कसम मैं भी ईसाई हूँ, मेरा बाप भी ईसाई था, लेकिन अल्लाह की कसम हमने कभी भी अपने मौलवी और पीर को रब नहीं कहा। फिर कुरान कैसे कहता है कि तुमने रब बनाया? मैं ईसाई हूँ, उसने कहा। हमने तो कभी भी अपने मौलवी को पीर को रब नहीं बनाया। तो तशरीह सुनिए और 14 तबक रोशन कीजिए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली क्या तुम्हारे मौलवी और पीर रब की हलाल करदा चीज को हराम कर देते? तुम हराम समझते के ना समझते? कहने लगे तो हम तो हराम समझ लेते। अच्छा, फिर तुम्हारे मौलवी और पीर रब की हलाल करदा को हराम और हराम करदा को हलाल कर देते तो मान लेते? कहने लगे हम मान लेते। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया यही उनको रब बनाना है, इसलिए कि हलाल हराम करना किसका काम है? अल्लाह का काम है। ये तो तुमने मौलवियों के अकवाल से कहना शुरू कर दिया। खैर ये गुफ्तगू हुई, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ आदी तू मुझे अपना मजहब ना बता, मैं तेरा मजहब तो इससे ज्यादा बेहतर जानता हूँ। जब ये जुमला कहा आप मेरे मजहब को मुझसे ज्यादा जानते हैं, वो कैसे? फरमाया क्या तू अपनी कौम में मेरबा नहीं था? सोच में पड़ गया। मेरबा पता है किसको कहते हैं? उनके उस बादशाह को जो जंगों में माले गनीमत इकट्ठा करते थे ना ईसाई मजहब में, उसका चौथा हिस्सा बादशाह खुद लेता था। क्या तू चौथा हिस्सा नहीं लेता माले गनीमत का बैतुल माल से? सर नीचे कर दिया, लेता हूँ। फरमाया ये भी बता दूं क्या तुम्हारे मजहब में ये लेना हराम है कि नहीं है? ये तो हराम है। कहते मैंने सर और नीचे करके हराम भी है। जब ये तशरीह की तो मुझसे हिम्मत नहीं हुई कि मजीद कोई बात करूं। कि आपने तो अंदर की सारी बात बतला दी। फरमाया आदी लअल्लका तमनाउका, शायद तुझे इस्लाम लाने से मनाना इस बात ने किया है कि हम थोड़े हैं, कमजोर हैं और हमारा साथ देने वाला नहीं है। हम उचक लिए जाते हैं जमीन से। सुन ले अली अल्लाह की कसम है, आज तुझे हमें कमजोर नजर आ रहे हैं,
लेकिन जल्दी ही तू अन करीब देखेगा कादसिया से खातून लड़की चलेगी जवान सोने चांदी के जेवरात पहन कर तने तरहा आएगी बैतुल्ला का तवाफ करके वापस जाएगी पूरी नजर से देखने वाला कोई नहीं होगा। पहली बात अदी हैरान की ये क्या पेशनगोईयां हो रही हैं। फरमाया दूसरी बात अदी शायद तुझे ईमान कबूल करने से इस बात ने रोका है कि हमारे पास इख्तदार नहीं है हुकूमत नहीं है हम बेहुकूमत लोग हैं ये वजह है। तो फरमाया सुन ले अदी अल्लाह की कसम ये कैसर और किसरा के खजाने अल्लाह मेरे साथियों को देगा। मैंने कहा अल्लाह के रसूल किसरा इब्ने हुरमुज उसके खजानों की एक और किसरा है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया नाम या अदी कैसर इब्ने किसरा इब्ने हुरमुज ये जो सुपर पावर के अलवार आता था ये है। दो बातें हो गई तीसरी बात सुन लीजिए। फरमाया अली तू इस्लाम इसलिए कबूल नहीं करता तुझे डर ये है कि ये गरीब है मालदार नहीं पैसा नहीं है मैं लीडर हूँ पैगंबर हूँ और मेरे घर में एक तकिया है उस पे जिस पे मैंने तुझे बिठाया हुआ है। तो सुन ले अनकरीब अल्लाह मेरे इन साथियों में माल ऐसे फरावानी से बहा देगा कि माल तो मिलेगा माल लेने वाला कोई नजर नहीं आएगा। इतना वाफर हो जाएगा माल लेने वाला कोई नजर नहीं आएगा। अदी ने तीन बातें जब सुनी तो इंतजार नहीं किया फरमाया अब सोसियादा का या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ बढ़ाइए। नबी अलैहि सलाम ने ऐसे हाथ बढ़ाया अदी ने हाथ थामा अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। अदी क्या कहता है कहता है अल्लाह की कसम तीन पेशगोइयों में से दो तो मैंने देख ली एक मैंने देखी है कि कादिसियत से खातून चली मक्का आई वापस गई किसी ने नजर उठा के बुरी नजर से देखा तक नहीं। दूसरी निशानी भी देखी कि कैसर और किसरा को निशानी देखी क्या फतह करने वालों में मैं भी शामिल था। अदी कहते हैं फरमाया तीसरी निशानी वो कौन सी थी कि माल इतना होगा कि लेने वाला कोई नहीं होगा। फरमाया वो तीसरी कब पूरी हुई तारीख में लिखा वो उमर सानी उमर इब्ने अब्दुल अजीज के दौर में पूरी हुई रसूल उलट लेता हूँ फिर मेरी इजाजत चाहूंगा। कुरैशी साहब भी तशरीफ ला चुके हैं मैं आखिरी बात करके आपकी जान छोड़ छोड़ता हूँ ठीक है जी। गर्मी भी है और आप थके हुए हैं। उमर इब्न अब्दुल अजीज के पास जब बैतुल माल के तकसीम का वक्त आया सब कुछ तकसीम हुआ अमीरुल मोमिनीन ने कहा ज़कात मुस्तहिकीन को मिल गया मिल गया जरूरतमंदों की जरूरत पूरी हो गई जी पूरी हो गई। फरमाया बाकी कुछ बचा अब भी इतना बचा है कि मिटता नहीं है। फरमाया जाओ उलमा को दे दो किन को दे दो खास उलमा को तोहफे दे दो काजी अहले इलम पे तकसीम कर दिया अब भी बच गया। फरमाया जो बे शादी शुदा नहीं है और शादी करना चाहते हैं उनको शादी के खर्चे दे दो जवान खुश हो गए उनको खिला लो उनको दे दो काजी जिन जिन को जरूरत थी उनको भी दे दिए फिर भी बच गया। का मुअल्लफतुल कुलूब ऐसे कोई ईसाई यहूदी जो इस्लाम की तरफ रागे बोना चाहते हैं उनको दे दो का उनको भी दे दिया फिर भी बच गया। अच्छा फिर ऐसा करो कि कुछ लोग जाके पहाड़ों की चोटियों पर लगा के रिज़्क फेंक के आ जाओ ताकि मेरी खिलाफत में कोई परिंदा और कोई दरिंदा भी भूखा ना रहे।
ऐसा भी हुक्मरान होता है। मेरे दोस्तों, दीन का वो पैगाम यूं फैला, यूं चला, मुआशरा ऐसे बदला, जो दस्तों गरेबान थे वो भाई भाई बन गए। आज तो लोगों की हालत ये है कि मैं अक्सर कहता हूँ, अल्लाह ने ये दिल कई पर्दों में छुपा के रखा है और ऊपर बड़ा बेहतरीन पिंजरा भी लगाया हुआ है, पसलियों के मजबूत पिंजरे के अंदर इस दिल को रखा है। दो चीजों को आप देख लो, जबान में भी हड्डी नहीं है, नरम गोश्त और इसमें भी, लेकिन सख्त इतने हैं, किसी की जबान इतनी सख्त है कि वो पत्थर से ज्यादा सख्त, और किसी बदबख्त का दिल पत्थर से ज्यादा सख्त हो जाता है। अगर ये दिल खुल के सामने होता तो खुदा जाने हम जैसे कितने ही लोगों के दिल नहीं गटर होते। क्या होते? अल्लाह गवाह है, कोई और तो नहीं देख सकता, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। इस गटर को साफ कीजिए, इसको गटर ना बनाइए। काश मेरे पास वक्त होता तो मैं रब का कुरान खोलता कि अल्लाह ने इस बीमार दिल की 25 किस्में जिक्र की। कितनी किस्में? सिर्फ कुरान में। और सेहतमंद दिल जो अल्लाह को मतलूब है, अल्लाह ने उसकी 15 किस्में जिक्र की हैं। पूरा कुरान उठाइए, अल्लाह ने पूरे कुरान में दिल का जिक्र 194 मरतबा किया। कितनी मरतबा? 194 मरतबा अल्लाह ने इस दिल का जिक्र किया है। इसलिए किया है कि अल्लाह को ये मतलूब है, ये मंजूर है। इमाम इब्ने कय्यम रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इस कायनात में दो ही तो चीजें हैं जो अल्लाह ने अपने लिए मुंतखब की हैं, एक अर्श है, एक दिल है। अर्श को अल्लाह ने अपनी इस्तिवा के लिए खास किया है, दिल को अल्लाह ने अपनी मारिफत के लिए खास किया। अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा कमा यलीकु बिशानिही, जिस तरह रब के शाया निशान है। मुतशाबिहात तो अर्श इस्तिवा के लिए और दिल किसके लिए? अपनी मारिफत के लिए। हमारे दिलों का पड़ोसी पड़ोसी के साथ हसद कर रहा है, मालेदारों के साथ हसद कर रहा है। पहले क्योंकि मेरा तो बाप दादा मौलवी नहीं थे, तो पहले तो हम सुनते थे जी मासियां दा हसद बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना, औरतों का हसद बहुत ज्यादा होता है। हम ये सुनते आ रहे, कहावत होती थी, छोड़ यार मासियां ला वैरे। किसी खातून ने जाके दुकानदार से कहा कि भाई साहब ऐसा सूट दो मुझे, ऐसा। उसने कहा बहन जी ऐसा ऐसा घंटे से लगा रखा है, कैसा हो आखिर तू ही बता। कहने लगी और तो नहीं, बस ऐसा हो कि जब मैं पहन लूं तो पड़ोसन को आग लग जाए, बस पड़ोसन को आग लग जाए सूट ऐसा हो। लेकिन जब मैं मौलवी बना, इल्म हासिल किया, तो हमें पता चला कि इधर तो हमारे अंदर तो उनसे भी ज्यादा है। आप कहेंगे अपनी तारीफें करते, नहीं हम भी कोई फरिश्ते नहीं है जमजम से धुले हुए। ये हर तबके का हसद अपने अपने लेवल का है, मौलवियों का अपने लेवल का है, पीरों का अपने लेवल का है, बाजार में मार्केट वालों का, ताजरों का अपने लेवल का है, अड्डे पे ड्राइवरों का अपने लेवल का है, अपने साथ और इसी तरह औरतों का अपने लेवल का, वजीरों और सियासियों का अपने लेवल का है। लेकिन अल्लाह को दिल पाकीजा मंजूर है जो हसद से पाक हो। नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में है, फरमाया जन्नती किसी ने देखना तो वो दरवाजे से आ रहा है। सारे पीछे मुड़ के देख रहे हैं, तो अब्दुल्लाह इब्ने अमर इब्ने आस फरमाते हैं मैंने देखा, मुसनद अहमद की हदीस है कि एक शख्स दाखिल हुआ अंसारी, ताजा वजू किया और दाढ़ी से पानी के कतरे टपक रहे हैं, मिसवाक ताजा उसके हाथ में। क्या बड़ा कमाल का आदमी है, जन्नत की बशारत लिसाने नबूवत से सुन रहा। अगले दिन फिर फरमाया जन्नती देखना है तो आ रहा है, वही आया। तीन दिन, चौथे दिन मैंने उसको हाथ से पकड़ लिया। मैंने कहा मैं तेरा मेहमान, बिस्मिल्लाह आ जाओ, ले गए घर। तीन दिन मेहमान बन के रहा, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, नमाज पढ़ रहा हूँ, एक जगह रात को बैठक में सो भी रहे। तीसरे दिन मैं आने लगा, वो कहने लगा भाई साहब शेरोजा तुम मेरे पास लगा के गए हो, जा रहे हो, बताया भी नहीं कि आए किस लिए। तीन दिनों से लगे, मैंने भी नहीं पूछा। मैं वान नवाजी की हद है ना यार,
तीन दिन उन्होंने भी नहीं पूछा। मैंने कहा इसलिए आया हूँ कि तीन दिन लगातार लिसाने नबूवत से आपके लिए जन्नती होने की बिशारत सुनी है, तीन मर्तबा सुनी है। ये बात उस सहाबी ने सुनी होगी तो कितना खुश हुआ होगा कि मेरे बारे में कहा, तो फिर मेहमान क्यों बने रहे? मैं देखने आया हूँ तू वो कौन सा खास अमल है जो करता है, तू करता है और हम नहीं करते। तो क्या देखा तीन दिन रातों में? कोई खास काम नहीं देखा। नमाज तू भी पढ़ता है, मैं भी पढ़ता हूँ, नफल तूने पढ़े मैंने पढ़े, तहज्जुद के लिए तू उठा मैं उठा, पहली सफ में तू आया मैं भी आया, कोई खास बात नहीं देखी। फिर खुदा जाने बिशारत किस वजह से पाई, कहने लगा मेरे अंदर मुझे भी खास बात नजर नहीं आती, यही चीजें जो तू भी करता है मैं भी करता हूँ। अब अल्लाह ने अमर रहे जब जाने लगे तो हाथ रख के कांधे पे। हाँ ठहर जाओ, एक बात बताता हूँ, कुटेड़े वालों अमल कर लो मजे करो। कांधे पे हाथ रख के कहा वो ये है कि अल्लाह गवाह है, अल्लाह की कसम है, मैं अपने दिल में किसी मोमिन के लिए खोट और हसद नहीं पाता। मेरा दिल किसी मोमिन के लिए मैल कुचैल से भरा हुआ नहीं, हसद नहीं है, कीना बोझ नहीं है। तो पता है अब्दुल्लाह ने अमर इब्ने आस ने कहा, फरमाया अल्लाह की कसम यही बात है, वही है लानती को जो ताकत अल्लाह ने तुझे दे दी, हमारे अंदर इसके अंदर इसकी सकत नहीं। आइए दिल को पाक कीजिए, बहुत कुछ मिलेगा। दिल पाक कीजिए, माफ कीजिए। मुस्तदरक के हाकिम की हदीस, अगर चे उलमा मुहद्दिसीन ने उसकी सनद पे कमाल कलाम किया है, लेकिन एक इबरत और फजीलत में ये है कि कयामत के दिन हजरत अनस फरमाते हैं एक दिन नबी अलैहिस्सलाम को सुना, आप हंस पड़े। तो हमने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप किस बात से हंसे? फरमाया अल्लाह की कसम मैं इस बात से हंसा हूँ कि मैदान महशर में रब को देख रहा हूँ कि रब भी अपने बंदों में सुलह करवा रहा है। अल्लाह अकबर। इस बात से हंसा हूँ कि रब महशर के मैदान में क्या करवा रहा है? फरमाया वो कैसे? फरमाया मिन उम्मती, मेरी उम्मत से दो आदमी आएंगे, घुटनों के बल गिरेंगे अल्लाह के सामने। एक कहेगा अल्लाह खुज मज़लमती मिन अखी, अल्लाह मेरे इस भाई ने मुझ पे जुल्म किया है, ज्यादतियां की, इसे बदला ले। अल्लाह फरमाएंगे बदला लूं? इसके पास तो कोई नेकी नहीं रही जो तुझे दे दूं इसे लेकर, वो तो सारा कुछ खाली हो गया, इससे नेकी भी नहीं जो इसे छीन कर तुझे दी जाए, अब क्या दूं? पता है वो क्या कहेगा? वो कहेगा अल्लाह इसके पास अगर नेकी नहीं है मुझे देने के लिए तो अल्लाह मेरे गुनाह लेके इसके खाते में डाल। पहले अल्लाह के पाक पैगंबर मुस्कुराए जब ये जुमला कहा कि अल्लाह मेरी खताएं और मेरे गुनाह लेकर इसको दे दीजिए, तो नबी अलैहिस्सलाम इस मकाम पे रो रो पड़े। जब रो दिए आप रोए कि ये अजीब दिन होगा, बहुत सख्त दिन होगा। इतने में अल्लाह फरमाएंगे मेरा बंदा छोड़ बास में उलझना, जरा सर उठा देखना ऊपर। जब वो ऐसे देखेगा एक ऐसा महल देखेगा कि जिसकी जमीन चांदी की और महल सोने के, मोतियों से जड़ा हुआ महल है। ये देख के कहेगा ले आइए नबी वाले, आइए सिद्दीक वाले, आइए शहीद। अल्लाह ये किस नबी किस सिद्दीक किस शहीद का महल? अल्लाह फरमाए ये किसी नबी किसी शहीद का नहीं है, ये उसका है जो इसकी कीमत अदा करेगा। वो कहेगा अल्लाह इसकी कीमत क्या है मेरे मालिक? अल्लाह फरमाएंगे इसकी कीमत तू दे सकता है, ये तुझे भी मिल सकता है। कहेगा अल्लाह कीमत तो बतलाइए मैं दे भी सकता हूँ। फरमाया हाँ दे सकते हो, या अल्लाह बतलाइए जब दे सकता हूँ तो देने को तैयार हूँ, क्या है कीमत? अल्लाह फरमाएंगे अपने इस भाई को माफ कर दे,
इसको हाथ से पकड़ और जन्नत में जा। ये कीमत है, इसको माफ कर। वो कहेगा अल्लाह मैंने माफ कर दिया, तो अब कुटेड़े वालों हम माफ करेंगे कि नहीं माफ करेंगे? दिलों से माफ कर दो, अल्लाह हम सबको माफ कर दे।